विषय सुख अल्प है, आत्म सुख नित्य है। रमणी 23, अल्प सुख दुख आदि वंता, मन भुलान मैगर में मनता। सुख विश्राय मुक्त कहाँ पावे, परिहर साथ झूठ निज धावे। अनल ज्योत डाहे एक संगा, नयन नेह जस जरे पतंगा। करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निरायल आई। भरम का बांधा ई जग, यह विधि आवे जाए। मानस जन्म पाए के नर काहे को जहणाए। अल्प सुख दुख आदि बनता, दुनिया के भोगों में सुख है जो वो अल्प है, बहुत थोड़ा, और दुख आद से अंत तक भरा है। ये सब का अनुभव है, सुख अल्प है और वो सुख माना हुआ है। सबसे बड़ा सुख काम भोग माना है, वो तो सुख काहे का है, गले का फांसी है। जिसके पीछे उत्तेजना उद्वेग अशांति हो, स्थिर होके रहा ना जा सके, और किसी दूसरे व्यक्ति की जिसमें जरूरत पड़े, दूसरे के मन की रक्षा करते करते जिंदगी सड़े, वो कौन सा सुख है। और जिसकी धारा में पड़ करके शरीर मन सब कमजोर हो जाए, कौन सा सुख है। और भी जितनी अनुकूलताएं, अनुकूलताओं का सुख है, बहुत अनुकूलता मिली तो थोड़े समय तो है, फिर चला जाता है। तो सुख जो दुनिया का है वो बहुत क्षणिक है, और उसके राग में पड़ करके दुख आद से अंत तक भरा है। मन भुलान मैगर में मनता, लेकिन मन भुलाया है उसमें। कैसे भुलाया है, जैसे मैगर मैं मनता। मनता नाम उन्मादी, पागल, उन्मत्त, मैगर हाथी हो। उन्मत्त हाथी मैं नाम समान, उन्मत्त हाथी के समान मन भुलाया है। जब हाथी पागल हो गया है, एकदम मस्त, वो बड़ा अड़चन पड़ता है, कब किसको मार दे, क्या कर दे, क्या उखाड़ दे, क्या तोड़ दे, कुछ ठिकाना नहीं। वो तो कभी पागल होता है और नहीं भी होता है। लेकिन आदमी का मन तो हर समय पागल है। मन भुलान मैगर में मनता, मनुष्य का मन उन्मत्त हाथी के समान भोगों में आदि बना हुआ है। सुख विश्राय मुक्त कहां पावे, परिहर सांस झूठ निज धावे। किसी ने कहा होगा, साहब आपने तो सुख का खंडन कर दिया, सुख अल्प है, दुख आदि अंत है, और सुख में मन उलझा है, ठीक नहीं है। तो सुख ही का खंडन कर देते हैं, तो गति मुक्ति सुख ही को प्राप्त करने के लिए तो किया जाता है। जब सुख ही नहीं है तो सब बेकार है। साहब ने कहा ऐसी बात नहीं, सुख विश्राय मुक्ति कहां पावे, सुख को भूल करके मुक्ति कहां मिलेगी। सुख तो चाहिए, लेकिन सुख क्या है पहले ये तो समझो। परिहर सांच झूठ निज धावे, सच्चे सुख को त्याग करके झूठे में सुख मानता है। निज ध्यावे, अपना सुख मानता, ध्यावे नाम ध्यान करना, अपना सच्चा सुख मानता है झूठे सुख को, और सच्चे सुख को छोड़ देता है। सच्चा सुख है आत्मजनित, झूठा सुख है वस्तु जनित। वस्तु से जो उत्पन्न हो वो सुख झूठा है, अब आत्मा से जो उत्पन्न हो वो सुख सच्चा है। किसी मनुष्य के मिलने से अगर हमें सुख है तो चला जाएगा, तो हम दुखी हो जाएंगे। किसी वस्तु के मिलने से सुख है, किसी स्थान मकान के पाने से सुख है, तो उसे चले जाएंगे तो दुख हो जाएगा, फिर सुख छूट जाएगा। पदार्थ जनित सुख परावलंबित है, स्वावलंबी नहीं। तुम जहां बाहर इंद्रियों के भोगों में सुख मानोगे, स्वतंत्र नहीं रहोगे। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, ये मन जी ने कहा,
मनुस्मृत में। मनुस्मृत किसी पंडित की बनाई है, मन हुए हैं तो बहुत पुरा काल में हुए हैं, उस समय जात वर्ण की व्यवस्था भी नहीं थी। मन के कलम से जो कहलाया गया है वो मन कह नहीं सकते, मन के कलम से जो लिखाई गई है बातें मनुस्मृत में वो मन कभी नहीं कह सकते। जैसे बीच बीच में जो शूद्रों के लिए कटाक्ष और उपेक्षा भाव घृणा भाव, मन के जमाने में ये सब था ही नहीं, जातवात वर्ण व्यवस्था ही नहीं थी, वो तो मन का नाम बदनाम किया गया है। बड़े बड़े पुरुषों के नाम से शास्त्रों को लिख करके पंडितों ने चलाने का दुराग्रह किया है। लेकिन ये वचन तो बहुत बढ़िया है, मनुस्मृत में है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, परवस्था ही सब प्रकार दुख है, आत्म स्वस्था ही सब प्रकार सुख है। तो सच्चा सुख क्या है? आत्मनिग्रही होना, आत्मस्थित होना, आत्मलीन होना सच्चा सुख है। और जो विषयों का सुख है, पदार्थ जनित सुख है, इंद्रिय सुख है, वो झूठा है। तो मोक्ष है विषयों से हट करके अपने आप में आना। सुख विसराए मुक्ति कहां पावे, कहां है प्रश्न है, कहां पाएगा सुख को भूल करके कहां मुक्ति पाएगा? आत्म सुख, आत्म शांति, आत्म तृप्ति, कोई अपने आत्मा में रम जाए, अपने आत्मा में मोह करे, अपने आत्मा में आसक्त तो हो जाए, बस मुक्त हो जाए। ऐसा आसक्त तो हो जाए आत्मा में कि आत्मा छोड़ करके कुछ अच्छा न लगे, बस मुक्त। तो आत्म सुख तो मोक्ष है। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नयन नेह जस चरे पतंगा। अनल ज्योति आग की ज्योति में पतंगे एक संग होकर चिपक कर, एक संगा नाम चिपक कर जलते हैं। नयन नेह जस चरे पतंगा, नयन के नेह में यानी नेत्रों से ज्योति को देखा पतंगा, मोहित हो गया, निकट गया, पंख जलने लगे लेकिन हटता नहीं। ऐसा मैंने कई बार देखा, दीपक जल रहा था और पतंगा आया और एक तरफ का पंख उसका झुलसने लगा लेकिन वो हटा नहीं, उसे में चला गया और फक दे जल गया। कैसा भयंकर मोह है, पंख जल रहे तो हट जाना चाहिए लेकिन उसी में कूद पड़ा। संसार के लोगों की दशा यही, जिसमें दुख पा रहे हैं उसी में कूद करके डूब रहे हैं। जिन विषयों से सारी दुर्गति हो रही है वही विषय प्राण प्रिय लग रहे हैं, कैसे दुख छुटेगा? करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। साहब कहते विचार करो जिससे सब दुख दूर हो, सब सुख की प्राप्ति और सब दुख की निवृत्ति। साहब ने कई बार कहा, जैसे यहां कहा सब दुख जाई, करो विचार जो सब दुख जाई। भोजन करो तो भूख का दुख दूर हो जाएगा, पानी पियो प्यास का दुख दूर हो जाएगा, दवाई करो रोग का दुख दूर हो जाएगा, गर्मी लगी है छाया में आ जाओ गर्मी का दुख दूर हो जाएगा। लेकिन सब दुख नहीं दूर होगा, सब दुख है मन का, मन का उद्वेग, मन की उलझन, ये सब दुख। और ये विचार करने से दूर होगा, जब विचार उदय होगा मन में, विवेक उदय होगा, दृष्टा दृश्य विवेक, मैं दृष्टा हूं जड़ दृश्य है, मैं इससे भिन्न हूं, शुद्ध चैतन्य हूं, अमर हूं, निर्विकार हूं, निर्मल हूं, प्रकृति से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं असंग हूं। यह विचार जब उत्पन्न होता है तो सब दुख दूर हो जाता है। परिहर झूठा केर सगाई, कोई कहे मैं विचार करता हूं, साहब कहते उसका लक्षण है परिहर झूठा केर सगाई। झूठे की सगाई जब छोड़ दो तब समझा जाए कि विचार है। विचार का लक्षण है निर्मोहता। परिहर झूठा केर सगाई, परिहर का मतलब सर्वथा त्याग देना। झूठे की सगाई, झूठे की मित्रता, देंगे हादी
समस्त दृश्य का संबंध झूठा है और इसका मोह त्याग जाना विचार का लक्षण है। कोई कहे मैं साधना करता हूं, साधनम परिपक्व, और फिर वो खिन्न होता है, दुखी होता, पीड़ित होता, उद्वेगित होता है, तो कहां वो साधना करता है। साधना का मतलब प्रशांत हो जाना, निर्मल हो जाना, सुखी हो जाना, मन में अभाव का अनुभव न होना, हानि का अनुभव न होना, ये परिपक्व साधना का फल है। विचार वही करता है जिसने मोह का त्याग किया, तब नजर विचार कर रहा है। मोह मूड बना बैठा और विचारवान भी बना बैठा है। मोह की मूढ़ता अगर है तो विचार कहां है। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरणी राय लाई। साहब कहते लालच लगे लगे जन्म सिराई खत्म हो जाता, खत्म हो रहा है जीवन। सिराई सिरा जाना, खत्म होना। जरा मरण नियराय आई, जरा और मरण नियर होता जाता, निकट। कैसा अद्भुत है, इंग्लिश में भी निकट को नियर कहते हैं और हिंदी में भी नियर कहते हैं, नियरायल। यल प्रत्यय जोड़ करके साहब भोजपुरी भाषा का शब्द बना देते हैं। विद्वानों पर तरस आती है जो कबीर साहब की ऐसी वाणियों का संकलन करके उसको मुख्य वाणी मान बैठे, जिसमें पंजाबीपन है। कबीर साहब का जन्म काशी है, उनका कर्म क्षेत्र काशी गोरखपुर बस्ती का खत्ता है मुख्य, और भ्रमण भारत और भारत के इर्द गिर्द देशों में कार्यक्षेत्र पूरा भारत है, बृहत्तर भारत है, छोटा भारत नहीं, जितना भारत आज है उतने नहीं, बृहत्तर भारत, जिसको आजकल पख्तूनिस्तान इत्यादि कहते थे वो सब। तो भ्रमण तो उन्होंने खूब किया, देश विदेश यहां फिरा उन्होंने कहा, लेकिन कोई भी विद्वान हो, संत हो, प्रचारक हो, बहुत दूर घूम करके भी कोई एक विशेष कार्य क्षेत्र होता है उसका, और वहां वो ज्यादा रहता है। महात्मा बुद्ध पूरा जीवन बिहार और उत्तर प्रदेश में घूमते रहे, लेकिन घूम करके अधिकतम श्रावस्ती में रहते रहे। श्रावस्ती जो गोंडा जिला में पड़ता है, सहेट मेट आजकल कहते, बलरामपुर के पश्चिम, वहां पर वो अधिक रहते थे और ज्यादातर घूम घूम करके श्रावस्ती, यहां कौशाम्बी, बोधगया जिसे कहते हैं, गोरखपुर का क्षेत्र, ये उनका थोड़ा और फैल करके कहा जा सकता है। कोई भी संत होगा, प्रचारक होगा, तो प्रचार चाहे जितना व्यापक हो, लेकिन सघन निवास और रहना और कार्य करना कुछ सीमित क्षेत्र में होगा। कबीर साहब देश विदेश घूमे, लेकिन काशी गोरखपुर बस्ती का क्षेत्र उनका मुख्य रहा, और काशी और गोरखपुर से लगा हुआ पूर्वी हिस्सा बिहार का है, जहां भोजपुरी भाषा बोली जाती है, और ऐली गैली तो बनारस में भी है, गोरखपुर में खूब है, बस्ती के पूर्व क्षेत्र में है, मोहम्मद नगर के आसपास भी ऐली गैली लोग बोलते हैं थोड़ा मोड़ा, आई लहली गई लहली जाताणी, ये गोरखपुर के तरफ ज्यादा। तो भोजपुरी का पुट, ऐली गैली का पुट पूरे बीचक में है, लेकिन जिसमें पंजाबीपन भरा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वर भरे हैं, विद्वानों ने उसका संकलन किया बाहर से खोजबीन करके।
वो भी साहेब की वाणी है, लेकिन वहां के भक्तों ने अपने स्वरों में उसको लिख डाला है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुजराती में भजन होता हो कहे कबीर सुनो भाई साधो गाते हैं, तो कबीर साहब को उसमें सार रहता है, लेकिन गुजराती लोग अपने ढंग से गाते हैं। तो कबीर साहब ऐसे व्यापक संत हुए कि पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, उड़ीसा में, अनेक प्रदेशों में उनकी वाणियां भक्तों ने गाई और आज भी गा रहे हैं, और उन उन भाषाओं का जामा पहनाकर। लेकिन उनकी मूल भाषा गोरखपुरी और बनारस के बीच की थी। जरा मरण निराय लाई, बुढ़ापा और मृत्यु निकट आ गया है, निकट आ गई है, और लालच लागे तुम्हारा जन्म खत्म हो रहा है। आज भी लालच खत्म नहीं हो रहा है, आज भी विषयों की लंपटता, स्वाद की आसक्ति, स्पर्श की आसक्ति, मान बढ़ाई की कामना, शरीर बूढ़ा हो गया, सब कुछ ढीला हो रहा है, बुढ़ापा आ गया, मृत्यु निकट आ गई, लेकिन तृष्णा कैसी तुम्हारी दीनता और हीनता है। भरम का बांधा ई जग, यही विधि आवे जाए, मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहाए। साहब कहते भरम का बधा हुआ है ये जग नाम जगत के लोग, इस प्रकार से आते हैं और जाते हैं। कबीर साहब प्रकृति से भिन्न चेतन अस्तित्व जबरदस्त ढंग से मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, जीव का आवागमन मानते हैं, कर्म फल भोग मानते हैं, बंध मोक्ष मानते हैं, वासना से बंधन, वासना त्याग से मोक्ष मानते हैं, सद्गुण दैवी संपदा का आचरण करके वासना त्याग करना चाहिए ये रहनी मानते हैं। ये सब बातें उनकी वाणियों में एकदम भरी हुई है। भरम का बांधा ही जग, संसार के लोग सब भरम में बंधे हैं, विषयों के प्रति सुखाभास ये महाभ्रम है। जहां दुख ही दुख है वहां सुख का भ्रम, और इसी सुख के भ्रम में पड़ करके यही विधि आवे जाए ये जीव आता जाता रहता, भटकता रहता है, संसार भवाटवी में भटकता रहता है। मानुष जन्म पाए के नर काहे को जाना है। साहब कहते हैं मनुष्य तो ऐसा उत्तम जन्म पा करके क्यों जहाड़ा रहा। जहाड़ा नाम खोना, खराब करना, अपने आप को बिगाड़ना। ऐसा उत्तम मानो चोला को पा करके तुम क्यों बिगाड़ रहे हो। बोध स्वरूप का बोध होना चाहिए और बंधन समझना चाहिए। पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लख लेन। अपने स्वरूप को पहचानो कि तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो, और बंधन को पहचानो, पांचों विषयों में सुखाभास बंधन है। बस ये दो बात है, अब इसकी रहनी में रहना ये जीवन भर का काम है। बोध हो जाने के बाद जो करना रहता है वो है स्वभाव सुधार। जन्म तो थोड़े में आ जाता है, कोई यथार्थ सदगुरु मिल जाए और उपदेश दे दे तो बोध हो जाएगा कि मैं देह नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मन नहीं हूं, तत्व प्रकृति नहीं हूं, साक्ष जड़ तत्व नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, अविनाशी हूं, अजर हूं, अमर हूं, व्याप व्यापक रहित हूं, ज्ञान हो गया। विषय वासना बंधन है ये भी समझ में आ गया, लेकिन स्वभाव गंदा पड़ा हुआ है। काम वासना का स्वभाव, मोह का स्वभाव, क्रोध का स्वभाव, अनेक प्रकार गंदी गंदी आते और स्वभाव अनाद काल से पड़े हैं। ये कूड़ा कचड़ा को धोना यही वीरता है, और ये एक दिन से नहीं होगा, रोज रोज रगड़ा करना पड़ेगा, धोते जाना पड़ेगा, धोते जाना पड़ेगा, घबराने से काम नहीं चलेगा। कोई चाहे कि एक क्षण के साधना से काम बन जाए, नहीं होगा, निरंतर रगड़ा करना पड़ेगा। तो इसमें परेशानी क्या है। जाहि मनन में सुख नितय, ध्यान क्रिया सुख धे, घाटा तेह में कौन है जो और चित्त दे। जिसके स्मरण में, चर्चा में,
आचरण में रहने में सब में सुख ही सुख है, उसको छोड़ करके और काम क्यों करें? कोई परेशानी हो तो छोड़ दे। आत्मज्ञान की बात, स्वरूप ज्ञान की बात, विषय निवृत्त की बात, पढ़ने में, सोचने में, कहने में, सुनने में सब में सुख है। बस साधन परमार्थ की दो बातें, स्व और पर। स्व का बोध, पर से निवृत्ति। स्व और पर दोनों का बोध हो जाए, पर से निवृत्त होके स्व में स्थित हो जाए, बस इतना ही काम, यही परमार्थ है। और इसके संबंधित जितनी चर्चा है, चाहे चर्चा करो, चाहे चर्चा सुनो, चाहे इसके लिए साधना करो, सब में सुख है, सुख है, तो हैरानी क्या है? वो हैरानी जो है वो विषय वासना, आसक्ति। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। साहब कहते भ्रम में बधा जीव, इसी प्रकार आता जाता है, भटकता है, तो मनुष्य जन्म पाए हो, अपने को खो मत, सावधान हो जाओ, जग जाओ। आज कल्याण करने का अवसर है, इसको धोखे में मत बिताओ। लख निरंजन लख न कोई, जही बंदे बंदा सब लोई, जही झूठे सब बांधु अयाना, झूठा बचन साच के माना, धंधा बंदा किन ब्योहारा, कर्म विवर जित बसे निनारा, सत्या समयो दर्शन की हां, सट रस बास सट वस्तु चीन्हा, चारी वृक्ष छो शाख बखानी, विद्या गणित गण न जानी, औरों आगम करे विचारा, तिन्हीं सूझे वार न पारा, जपती रथ व्रत की जे बहु पूजा, दान पुण्य की जे बहु पूजा, दान पुण्य